पुलिस वाले बैठ गए, बोले भाई घटता बाहर नहीं निकल सकता, नजरबंद कर लिया। किसने पकड़ाया इतनी पार्टी रही यार, उनके नेताओं ने पकड़ लिया तुम्हें, मेरे में क्या था मतलब, मेरे पास क्या नहीं लाग रखे हो। पांच सवाल पूछने के लिए मैंने तो कॉल कर रखा था, मैं पांच सवाल पूछने जाना, मैं कोई आड़ा कोई वो तो सेना देने का जाता नहीं। अमित शाह तो बहुत बड़े दिल का आदमी है, मतलब ऊ लंबा चौड़ा मोटा की बात को नहीं गला, उनका दिल भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मोटा बताया। खट्टर साहब सामने क्या लड़ रहे हैं, क्यों डर रहे, इतना काम कर लेने डरने की जरूरत क्या है। मन्नत बेरा नहीं भाई, क्यों नजरबंद किया गया है, मतलब अमित शाह जी आ रहे हैं, और अमित शाह जी आ रहे हैं तो अमित शाह जी से हमारा बहुत पुराना नाता है, पांच साल से मैं दो केस भुगत रहा हूं, मेरे पर आरोप लगा रखे हैं अमित शाह जी का रास्ता रोकने का, अमित शाह के आगे सांड गेरने का। तो अब बात ये थी पांच सवाल पूछने के लिए मैंने तो कॉल कर रखा था, भाई पांच सवाल पूछना जाऊंगा, मैं कोई आड़ा कोई वो तो सेना दिल जाता नहीं, मतलब एक ला जाना था चार आदमी आई गल, फिर भी आड़े बीस पुलिस वाले बाहर बैठा दिए, अब वह घर आड़े तो नहीं लगड़ पाऊंगा। तू सवाल के थे, सवाल तो सिंपल थे भाई, देवी देवताओं का अपमान आपका सांसद कर रहा है, उस पर जवाब दे पहला सवाल। दूसरा बेरोजगारी बता, हरियाणा में टॉप में बेरोजगारी है, 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, उस पर जवाब दे दे। सीईटी वाले बालक स्टेट वाले बालक धक्के खाने लग रहे हैं, उन दुखी कर रहे हो तुम, उस पर दे दे। हरियाणा पुलिस के खुद मेरे तेरे लोग कहने ला रहे, हरियाणा पुलिस का वेतन, हरियाणा पुलिस का काम, हरियाणा पुलिस की 30,000 भर्ती पड़ी, उस पर जवाब दे दे। पूरे हरियाणा में नशा अपराध है, भ्रष्टाचार है, पूरे हरियाणा के बूढ़े परेशान है, पेंशन से विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सवाल थे। बताओ इन सवालों में अभी क्या समस्या थी भाई, इन सवालों में अभी आड़ा तड़के मतलब पूरी रात के बैठे हैं ये पुलिस वाले, खाम खा बैठा रखे। बता मन के भाई, पूरे हरियाणा से पुलिस की वो करवा रही है रैली, 30,000 पुलिस वाले बुला रखे हैं रैली में, तो पुलिस वाले रैली करवाने लग रहे थे, और करवाओ तो आवाज तो उठाओगे, मैं तो सब तेन को आवाज उठाओ, क्या कर सके, ये नजरबंद कर सके, केस ला सके, थाने में ले जा सके, जेल में ले जा सके, आप नहीं डरते कितने। तक खट्टर साहब था, हमने क्या नहीं डरे हैं, क्यों डर रहे इतना काम कर लेने डरने की जरूरत क्या है। नजरबंद जिद करा था, मैं तो पूरी रात थाने में बैठा रहा रखा था पूरी रात। एक बात बताओ, अमित शाह जी आज से पांच साल पहले जब रोहतक में आए थे, 2 केस मेरे पे हुए, आज तक मैं तारीख भुगतान ला रहा हूं। गोवाने में जब प्रोग्राम था अमित शाह जी का, उस टाइम पे मेरे को उठा लिया गया, अब आगे रात ने रात के बैठे हैं ये तड़के, आगे 20 पुलिस वाले बैठ गए, बोले भाई घर तो बाहर नहीं निकल सकता, नजरबंद कर लिया। नजरबंद ये कौन सा नजरबंद किए है बता किए, अरे हम अपनी आवाज उठावे हैं, लोगों की आवाज है, जनता की आवाज है यार, कोई हम थोड़ी अद्दू फद्दू बात थोड़ी कर रहे हैं, तो क्यों डरो हो, हिम्मत अदा सवाल ना जवाब दो, जवाब देकर जाने चाहिए। अमित शाह जी हैं, वो वोट मांगने के लिए आते हैं, सिर्फ वोट वोटा के लिए। गाय के ऊपर सवाल पूछा था, अगर गौ माता ही क्यों प्राण मट्टी कर रखी है, वोट ली थी तो इन्हें चारा दे दो, आज भी वही पांच साल पहले जो सवाल थे जो के तो आज भी वही सवाल हैं। और भाई कितना है नजरबंद कर लो, कितने मेरे पता एक दर्जन केस ला रखे इन, कितने केस ला लो, मैं कोई ना डरता। अरे गजब बात ये देखो, किसने पकड़ाया इतनी पार्टी रही यार, उनके नेताओं ने पकड़ लिया तुम्हें, मेरे में क्या था मतलब, मेरे पास क्या नहीं लाग रखे हो, मन नहीं सा किए कर दिया, आवाज ज्यादा ठावे हैं। तो भाई यो चल रहा है आड़ा तक ताना सही चल रही है, लठ तंत्र चल रहा है, इसने कहो है लोकतंत्र, लठ तंत्र है तो जब हम अपनी बात भी नहीं अगर भेज सकते कि बात भी नहीं रख सकते तो लठ तंत्र है यो, इसने लोकतंत्र कौन कह देगा। अरे यो खट्टर साहब ये लठ तंत्र घने दिन ना चल रहा, अरे काम कर रखे होते तेन कहते आओ भाई, अरे समस्या मैं तेन बेरा पट्टा है कोई बताओ था मृत, अमित शाह तो बहुत बड़े दिल का आदमी है, मतलब ऊ लंबा चौड़ा मोटा की बात को नहीं गला, उनका दिल भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मोटा बताया। तो भाई मैं तो मोटा भाई तन्यो को हूं, समस्या लेकर जब हमारे तो समाधान कर, मैंने तो सुनी थी आप बात, अब उसके दौरे जो समस्या लेकर जावे है समाधान कर दे, जाना नहीं दे रहे बताओ।